Here in the 33 part, it says if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. इसमें क्या बोला जा रहा है? That a triangle is there. और ट्राइंगल की क्या सिचुएशन दी है यहाँ पे इन्होंने कि हमारा वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज देयर एंड इट इज टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट लाइक दिस. ठीक है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं वर्टिसेस डी एंड ई लेट से. ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन टू द सेम रेशियो. लाइक ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी. दैट्स वॉट वी नीड टू प्रूव इन दिस केस. और हमें पैरेलल दिया हुआ लाइंस के बारे में दैट इज गिवन. ठीक है, ए डी ओवर डी बी हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? ए ई ओवर ई सी के. अब कैसे प्रूव होगा यहाँ पे? यू नीड टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इस ट्राइंगल में, देन ओनली यू कैन प्रूव इट. कैसे करोगे? एक लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर टू ए डी, दिस वुड बी 90 डिग्री, एंड ए डी के रिस्पेक्ट में बनाइए. सेम यू हैव टू ड्रॉ इट फॉर द ए ई, एंड देन यू नीड टू ज्वाइन डी सी, एंड देन यू वुड बी ज्वाइनिंग द अदर साइड विच इज बी ई. ठीक है, बी ई हमने ज्वाइन कर दिया एंड सी डी हमने ज्वाइन कर दिया. और कंस्ट्रक्शन दूसरी क्या की है? वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर्स. अब हम लेट से डी एम, लेट से दिस इज डी एम एंड ये हमारा हो गया लेट से ई एन. ठीक है, ई एन इज परपेंडिकुलर टू, पहले डी एम का लिख देती हूँ, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई. किस पे बनाया है? ए ई पे. एंड ई एन किसके ऊपर बनाया है मैंने? इट इज ऑन ए डी. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? दैट हेयर इन दिस केस वी नीड टू प्रूफ. अब प्रूफ कैसे करेंगे? स्टेप्स बहुत ध्यान से आपने सुनने हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स हमने लेने हैं. सो फर्स्ट आई वुड बी टेकिंग ट्राइंगल ए डी ई. ठीक है, ए डी ई का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे. सो दैट वुड बी हाफ बेस इन टू हाइट. बेस क्या हो जाएगा ए डी ई में? ए डी वुड बी द बेस. एंड ए डी के ऊपर हाइट कौन सी बनी हुई है? ई एन इज देयर. देन द अदर वन इज देयर विच इज एरिया बी डी ई. बी डी ई निकालना तो हमने क्या करना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बी डी ई इज देयर. ठीक है, बेस क्या है हमारा? बी डी इज देयर. बेस इज बी डी एंड वट इज द हाइट? ई एन. आउटर वन हम ले रहे हैं. ठीक है, इस सिचुएशन में अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ, सो इफ आई डिवाइड देम वट वैल्यू आई वुड गेट? मेरे को क्या मिलने वाला है? ए डी ओवर बी डी. लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा? एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई वुड बी इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी. नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है आपकी? एरिया ए डी इज द, ए डी निकालते हैं दूसरे तरीके से निकालेंगे. दूसरे तरीके से कैसे निकालना है? हमने बेस हमारा क्या रहेगा? इट वुड बी इन दिस केस ए ई. इस बार हमारा बेस क्या रहेगा? राइट साइड वाला रहेगा ए ई. और ए ई के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है आपकी? डी एम. और राइट साइड पे हमारा कौन सा ट्राइंगल है? वी नो इट इज डी ई सी. दिस वन डी ई सी के लिए क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या रहेगा इसका डी ई सी का? ई सी वुड बी देयर. और हाइट हमारी क्या रहेगी? डी एम वुड बी देयर. अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? ए ई ओवर ई सी. लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा? एरिया ए डी ओवर एरिया डी ई सी इज द. अब हमें इसके लिए ना एक थ्योरम पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए. दिस इज लाइक माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? थ्योरम पता होनी चाहिए. और थ्योरम कहती क्या है? क्योंकि ये 9th क्लास से हट चुकी है इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट इट, बट हमें पता होना चाहिए क्या होती है. दैट अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एंड दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है. क्या क्या बोला मैंने? बेस सेम होना चाहिए एंड पैरेलल्स के बीच में लाई होने चाहिए, तो उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा. इफ आई कंपेयर दीज टू साइड्स, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें वो लगाना पड़ेगा हमें. लेट मी जस्ट टेल यू हाउ वी वुड डू दैट. एरिया ऑफ ए डी ओवर एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई एरिया
सी। अब ये ऊपर वाले तो मैच कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? एज आई सेड, सी बी डी इज द एंड द अदर वन इज डी ई सी। बेस दोनों का क्या है? डी ई है, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर हमारे दो ट्राइंगल्स हैं देन दे वुड बी इक्वल। कैसे इक्वल होंगे? जब वो सेम बेस पे हैं, दे आर बिटवीन टू पैरेलल्स। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है इससे? ए डी ओवर बी डी वुड बी इक्वल टू ए ई ओवर बी सी। सो दैट इज द सिचुएशन फॉर दिस वन, दैट दे वुड बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।